हेलो दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मर्सिडीज़ जो ऑटोमेटिक रहती है, इसका गियर नहीं रहता। इसे किस तरीके से, यानी कि स्टार्टिंग में ही लोग कंफ्यूज होते हैं, जाते हैं स्टार्ट करते हैं। जब आपको यहाँ पे पी दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा पी, ये वाला, तो इसको बंद करने के लिए यहाँ पे एक पी का बटन है, इसको बाहर खींचना पड़ेगा। ये जैसे ही खींचेंगे ये हैंड ब्रेक रहता है दोस्तों, ये निकल जाएगा। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे पार्किंग मोड, ये रिवर्स मोड ऊपर का, नीचे का जो है, सॉरी आपको यहाँ से दिखेगा, ये पार्किंग मोड है, ऊपर का रिवर्स मोड, नीचे का दोस्तों ड्राइविंग मोड, और एन जो है न्यूट्रल मोड रहता है। तो यहाँ पे ये बटन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या है, इसको ड्राइविंग मोड पे डालता हूँ और आपकी गाड़ी दोस्तों, और क्या करना है नीचे दिखाता हूँ आपको, लेग्स पे दिखाता हूँ। ये देखिए आपका लेफ्ट वाला लेग, इसको इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, ब्रेक में यूज़ करना है। और जब आपको ब्रेक नहीं मारना है, इसको छोड़ के क्या है ये वाला यूज़ करना है। ये देखिए जब इसको छोड़ेंगे तो गाड़ी जाने स्टार्ट होगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको बड़ी आसानी के साथ चला सकते हैं। इसको ड्राइविंग मोड में डालिए, न्यूट्रल मोड में डालिए और आराम से क्या है चलाना स्टार्ट कीजिए, ये गाड़ी चलेगी दोस्तों। ये बहुत स्मूथ चलती है, बहुत सारे फंक्शन आते हैं, आप स्लो स्लो सब पता लग जाएगा। इतना ही क्या है स्टार्टिंग में शुरुआत करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ भी सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए।